नेता बनने के लिए लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बीजेपी के साथ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो मतलब है, अमन कुमार ने खुद पे एफआईआर करवा लिया। अमन भैया लोगों का यह सवाल है, कौन लोगों का, एक आदमी को पकड़ के लाइए, इसमें से किसी का ऐसा सवाल है? आंदोलन के बाद आप लोग का क्या आगे कर रहे हैं? रणनीति यही है कि जब तक अमन कुमार नहीं छूटेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर उनका रेशो निकाल देंगे तो हर डेढ़ से दो घंटा में एक बलात्कार हो रहा है। झारखंड में बलात्कारी नहीं पकड़े जाएंगे, आतंकवादी नहीं पकड़े जाएंगे, हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे। कौन पकड़ा जाएगा? जो हिंदू हित का बात करेगा, जो हिंदुत्व का प्रचार करेगा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का शोभा यात्रा निकालेगा और अपनी बहनों और अपने भाइयों की सुरक्षा का संदेश देगा, वो पकड़ करके जेल भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो अमन भैया के सपोर्ट में जो है सो तमाम, वो चाहे उपदेश राणा जी हो, चाहे मनीष कश्यप जी हो, चाहे भैरव सिंह जी हो, तमाम लोग जो है सो उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हजारीबाग में झंडा चौक से लेकर के बुढ़वा महादेव तक ये लोग जा रहे हैं और एक ही नारा दे रहे हैं कि अमन भैया छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। थोड़ा सा बातचीत करते हैं अमन भैया। मनीष भैया, क्या मनीष भैया, एक सवाल है लोगों का यहाँ से कि मनीष कश्यप हजारीबाग पहुँचते तभी मनीष जायसवाल आवाज उठाते हैं, तभी बोलते हैं, क्या कुछ कहिएगा? जबकि बीजेपी के लिए अमन जी प्रचार भी किए थे, घोड़ा में चढ़े थे। चलिए, वो आज आए थे मिलने, परिवार वालों से मिलने आए थे, अच्छा लगा, और उन्होंने बोला है कि हम पूरा मदद करेंगे, अच्छा लगा, तो उनको देख के हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब तीनों से एक मनीष कश्यप, दूसरा उपेश राणा, भैरव सिंह जी और तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है? सिर्फ तीन ही लोग नहीं, ये सभी लोग जो है ना, ये जो लड़का, ये लोग, सभी लोगों के अथक प्रयास से जो है कुछ संभव हो पा रहा है। क्या लगता सभी लोग से रहे, क्या लगता है, क्या लगता है कब तक अमन जी बाहर आएंगे, कब तक आप लोग ऐसा आंदोलन करिएगा सड़क? जब तक नहीं आएंगे तब तक आंदोलन करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। हिंदू देश को यहाँ करो, हिंदू देश को यहाँ करो। तमाम लोग जो है सो यहाँ पे आए हैं और बुढ़वा महादेव तक जा रहे हैं और बस एक ही चीज कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, अमन जी बाहर नहीं आएंगे, छूटेगा। ये तमाम लोग हैं जो उपदेश राणा जैसे सनातनी लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग देख सकते हैं, भैरव सिंह जी भी हैं, उसके साथ मनीष कश्यप भी हैं, तमाम लोग हैं और अलग अलग जगह से उनके सपोर्ट को लेकर के, उनके समर्थन को लेकर के आज हजारीबाग में हैं और पैदल मार्च झंडा चौक से बुढ़वा महादेव तक कर रहे हैं, तमाम लोग देख पा रहे हैं। मनीष भैया, अभी इस आंदोलन के बाद आप लोग का क्या आगे कर रहे हैं? रणनीति यही है कि जब तक अमन कुमार नहीं छूटेंगे तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और आंदोलन का रूप अलग अलग होगा, कभी सड़कों पे, कभी सीएम आवास का घेराव, कभी सड़कों पे, कभी सीएम आवास का घेराव, कभी सोशल मीडिया पे आंदोलन होते रहेगा। मनीष जी, नहीं लगता है कि हिंदुत्व का जो जो आवाज उठाया था सबके ऊपर एफआईआर हो, वो चाहे देखिए राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर हमेशा एफआईआर होते रहता है, अमन कुमार राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवाद के लिए जो है वो सारा काम करते हैं, राष्ट्रवाद में ही जो है राम जी का शोभा यात्रा आता है, उन्होंने यहाँ के लोगों के मान सम्मान के लिए शोभा यात्रा निकाला था, उनके ऊपर एफआईआर हुआ था। तो देखिए, हर चीज को एक पर्टिकुलर धर्म से मत जोड़िए, अमन कुमार राष्ट्रवादी युवक है, वो सबकी मदद करते हैं, सबके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन उन्होंने यही गलती कर दिया झारखंड में 42 साल बाद शोभा यात्रा निकाल के, झारखंड के सरकार के नजर में गलत था वो, ये चीज है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि नेता बनने के लिए लोग करता है ऐसा, नेता बनने के लिए लोग ऐसा करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो बीजेपी के साथ प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो मतलब है अमन कुमार ने खुद पे एफआईआर करवा लिया। अमन भैया लोगों का यह सवाल है, कौन लोगों का, एक आदमी को पकड़ के लाइए, इसमें से किसी का ऐसा सवाल है? कहाँ से सूत्र लाते हैं, मतलब मंगल ग्रह से सूत्र आता है क्या? बताइए, एक आदमी को पकड़ते हैं, कौन, एक आदमी को लाइए ना, विपक्ष नहीं बताइए ना, विपक्ष लोग तो बुलाइए, पकड़ के लाइए, जोड़ा जाता है वो कहना था, राजनीति से जोड़ा, हाँ वो अलग चीज है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि राजनीति के लिए कोई जेल चला जाए तो कोई जेल नहीं जाना चाहता है, अगर है हिम्मत तो दो दिन जेल में रह के देखिए, समझे ना, कोई नहीं जाना चाहता है, सामाजिक मुद्दों पे जो है बातचीत होना चाहिए और हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हमने कहीं भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं किया, जब बकरीद शांति से मना सकते हैं, ईद शांति से मना सकते हैं, तो रामनवमी भी शांति से मनना चाहिए, ये जिम्मेवारी प्रशासन की है। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो, चाहे मनीष कश्यप जी हो, चाहे उपदेश राणा जी, पहले तमाम जनता रोष में है और तमाम अलग अलग बैनर्स में नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार उधर भी जूम करके दिखाएंगे और इस माहौल को कैद करने का प्रयास करेंगे कि तमाम लोग जो है सो बुढ़वा महादेव की ओर अग्रसर हो रहे हैं और ये नारा दे रहे हैं कि अमन भैया छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। ऐसे में हम
यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ बोलते हैं। क्या लगता है अमन जी, छूटेंगे? छूटेंगे कब तक? बस चार दिन के अंदर छूटेगा। अच्छा, अमन जी का दोस्त था क्या, उनको गिरफ्तारी की है तो? हाँ, दोस्त है ना अमन जी का, दोस्त है। हाँ, क्या दोस्त है? दोस्त नहीं, उसको मतलब दोस्त है हम लोग। दोस्त नहीं बोल रहे हैं। अमन जी का क्या दोस्त है जो दोस्त? कुछ भी नहीं दोस्त है। जुलूस निकाला इसलिए बोल दिया कि उसको जेल कर दिया है। जुलूस निकाले, बस इतना ही दोस्त है? हाँ, बस इतना ही दोस्त है। देख सकते हैं अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं जो सनातन हृदय सम्राट हैं। एक तो कह लें उपदेश राणा जो गुजरात से चल करके यहाँ तक आए हैं, दूसरे मनीष कश्यप हैं, और तीसरे आपको झारखंड तो चाहे भैरव सिंह जी हो, तमाम लोग जो है सो हजारीबाग के सड़कों में नजर आएंगे और लगातार झंडा चौक से बुढ़वा महादेव तक उनको जेल से निकालने को लेकर के नारा देते हुए ये लोग तमाम लोग कूच कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं अमन कुमार को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।